भागा 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 छपिया रहा छपिया रहा भागा 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 भागा। वेलकम बैक टू माय व्लॉग और आज है 26 सितंबर मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। आज है 26 अगस्त और अगस्त है अगस्त क्यों दोस्तों मैं कह रहा हूँ अगस्त ही मेरा जो भांजा है गौरव ये बोल रहा है सितंबर मैं भी कंफ्यूज हो गया। तो भाई सुबह सुबह का टाइम है 8:30 बज गया है और आज थोड़ा उठने में थोड़ा सा लेट हो गया हूँ ऑफिस भी जाना है भाई आज सैटरडे है बट ऑफिस बंद नहीं है खैर बंद होगा भी क्यों होगा भाई संडे को बंद होता है ऑफिस मैं क्या करूँ फिर जॉब छोड़ दूँ। तो दोस्तों आज का व्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग जाने वाले हैं इंडिया गेट दिन में नहीं मिडनाइट में मतलब रात को 2 बजे हम लोग इंडिया गेट जाने वाले हैं व्लॉग शूट करने। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो आप व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए इंडिया गेट मिडनाइट में कैसा लगता है। भाइयों मैंने भी बहुत देखा है बट मैंने कभी वीडियो नहीं बनाया था बहुत गजब का लगता है। आप व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए रात को 1 से 2 बजे के बीच में इंडिया गेट पे कैसा इंडिया गेट कैसा दिखता है और कितने रश होते हैं कितने भीड़ होते हैं वहाँ पे। और यहाँ से भाई हमारे घर से कितना किलोमीटर होगा भाई हमारे घर से कम से कम 20 किलोमीटर के आसपास होगा 20 के हाँ 20 से ज़्यादा ही होगा 20-22 किलोमीटर मैं आपको मैप सर्च करके दिखा दूँगा। तो 20-22 किलोमीटर जाना और हाँ G20 का जो अभी समिट चल रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारियाँ चल रही है तो हमें ये भी थोड़ा सा डाउट है कि वहाँ पे बैरियर लगा रखा होगा चेकिंग चल रहा होगा हमें जाने देंगे या नहीं देंगे ये सब परेशानियाँ। हमारा जो भांजा है यही है साथ में चलने वाला है ये यो कर रहा है एक्चुअली वो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा है ये ऐसे ऐसे करता है ये MC स्टैंड की तरह कैसे भाई MC स्टैंड ऐसे करता है भाई सॉरी तेरा नाम ले लिया व्लॉग में मेरा व्लॉग डाउन चला जाएगा ठीक है हमें नाम लेना चाहिए पुनीत सुपरस्टार तो दोस्तों व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए इंडिया गेट। अभी मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ नहा वहाँ के थोड़ा सा रेडी होना है मुझे ऑफिस भी जाना है ऑफिस का लेट हो रहा हूँ मैं और ऑफिस से आने के बाद में फिर हम लोग चलेंगे इंडिया गेट बाय बाय। तो दोस्तों अब हम लोग निकल चुके हैं और घर में सब कोई सो चुके हैं हम लोग आराम से धीरे से ही निकल रहे हैं क्योंकि इन लोगों को पता चल जाएगा घर वालों को कि हम लोग आधे रात को जा रहे हैं वो भी इंडिया गेट यहाँ से 20 किलोमीटर दूर तो आपको पता ही है कि नहीं जाने देंगे तो कौन सी गाड़ी लेके बाइक लेके जाऊँ स्कूटी लेके चलते हैं। दोस्तों हमने पानी का बोतल भी ले लिया है कहीं क्योंकि रात में कहीं भी पानी वानी नहीं मिलता है प्यास लगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये चार्जर वगैरह हमने सब रख लिया है डिक्की में रख दिया है आराम से और ये मेरा भांजा है जो कि साथ आज व्लॉग में चलने वाला है मैंने ही बोला था तो ये भी लक्ष्मीनगर से आया हुआ है मेरे साथ व्लॉग शूट करने के लिए क्योंकि अकेले तो मैं जा नहीं सकता हूँ तो इसीलिए मैंने इसको बुला लिया है। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं इंडिया गेट के तरफ तो बने रहिए व्लॉग में और देखिए 10 सोलंकी व्लॉग और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आगे निकाल भाई गाड़ी निकाल। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं इंडिया गेट के लिए और रोड तो पूरी यहाँ पे गली तो खाली है बाकी देखते हैं रोड पे रोड कैसा सीन है रोड का और क्या है आप बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखिए इंडिया गेट जाने में कहीं बैरिगेट वगैरह तो नहीं लगा रखा है पुलिस वालों ने क्योंकि G20 का बहुत ज़्यादा चेकिंग चल रहा है एक ही गाड़ी का चेक किया जा रहा है और ये अच्छी बात है हम क्योंकि थोड़ा सा सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। तो हम निकल चुके हैं मैं अपनी गली से निकल चुका हूँ तो दोस्तों व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए देखिए आगे कुछ है क्या नहीं है तो आप देखिए। तो मिलते हैं आगे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं इंडिया गेट के लिए और ये हमारे गौरव भाई साहब हैं हमारे गौरव जी हैं ये भी हमारे साथ हैं आज का हम दोनों निकल चुके हैं घर से और मैं आपको दिखा रहा हूँ 12:30 बजे दिल्ली का ये हाल है आप देख सकते हैं दिल्ली ये देखिए 12:30 बज रहे हैं ठीक है ये देखिए खिलौने वाले भाई साहब भी जा रहे हैं
और ये देखिए, एक्चुअली ये शादी वादी है ना, तो ये गाड़ियाँ लगी हुई है, यहाँ पे शादी है पता है। तो पर ये है कि हम लोग को थोड़ा सा मज़ा आ रहा है, और अभी ये तो रिंग रोड है, अभी इसको क्रॉस करने के बाद में पता चलेगा। कैमरामैन फोकस करो, चल चल चल। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इंडिया गेट सर्कल। अब इंडिया गेट पे अभी हम देखते हैं मिडनाइट में कैसा सीन है, क्या दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, इंडिया गेट पूरा रास्ता तो पूरा बंद किया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे पर गाड़ी लगाने की जगह तो है नहीं। इधर से अंदर से ले, अंदर से, अंदर से धीरे धीरे चल, धीरे धीरे। G20 लाइट ऑफ कर दिया गया बेटा, इंडिया गेट का लाइट ऑफ हो गया है। अब ये देखिए, अब हम लोग, ये देखिए ये संसद भवन है दोस्तों, यहाँ पे बैरियर लगा रखा है पूरा। चलते रहिए चलते रहिए, यहाँ रुकने नहीं दे रहे हैं G20 की वजह से दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए कितने नीले नीले से झरने हैं, बड़ा हरामी हो बेटा, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलिए आप राउंड पे लीजिए, ऐसे राउंड साइड में लगा, मैं चलाता हूँ। तो दोस्तों इंडिया गेट हो चुका है बंद, यहाँ पे G20 के वजह से रिस्ट्रिक्टेड है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि यहाँ पे हम लोग नहीं जा सकते हैं। और ये देखिए रात को 1 बज चुका है, तो हमने सोचा कि 1 बजे शूट कर लेंगे, थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को। बट जो इंडिया गेट का जो लाइट है वो भी बंद कर दिया गया है, और हम लोग अब सोच रहे हैं कि बंगला साहब होते हुए, बंगला साहब चले भाई, हाँ बंगला साहब, हाँ लो जी गाड़ी फंस गया है। तो बंगला साहब होते हुए अब हम लोग देखते हैं बंगला साहब में लाइट वाइट का क्या व्यवस्था है, तो शायद लाइट वाइट तो जल रहा होगा वहाँ पे। तो चलते हैं बंगला साहब ना। कुतुब मीनार भी चलेंगे रात को? कुतुब मीनार में कुछ नहीं है, वैसे भी ऑफ वो हो जाता है 7 बजे के बाद में ना। तो दोस्तों हम अब हम चलते हैं राउंड पे। पार्किंग क्लोज हो चुका है 10 तारीख तक, तो आप लोगों को अगर आना होगा 10 तारीख तक, आप प्लीज़ दिल्ली में ना आए। अभी हमने उन जो भी है मिलिट्री साहब, हमने उनसे पूछा, आप नज़ारा देख सकते हैं कितना प्यारा है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम सब कुछ बंद हो गया है, अब हमें पार्किंग बंद है G20 की वजह से, 10 तारीख तक अब हम कुछ कर नहीं सकते, ना हम बाहर गाड़ी छोड़ के जा सकते हैं, वरना पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अभी इंडिया गेट में, और रात को 1 बज रहा है, और 1 बजे इतना भीड़ है, इतनी भीड़ है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कैमरामैन फोकस करो, ये देखिए दोस्तों चारों तरफ का क्या सीन है, क्या सीन है अभी। तो ये हाल है रात को 1 बजे, 1:10 हो रहा है, ये हाल है इंडिया गेट पे। और दोस्तों जो पार्किंग है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, अगर आप दिल्ली आना चाह रहे हैं, अगर आप दिल्ली से बाहर से कहीं से हैं, तो आप प्लीज़ दिल्ली ना आए, दिल्ली का जो प्लान है वो पोस्टपोन कर लें। जो 8-9-10 तारीख का जो है, 8-9-10 को बिल्कुल दिल्ली आना, आप नहीं आइए। अगर आपको कोई प्लान बना हुआ है दिल्ली आने का, तो बिल्कुल
स्किप कर दीजिए, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, क्योंकि G20 की वजह से यहाँ पे पार्किंग भी नहीं है, और जो बाहर से आ रहे हैं घूमने के लिए विजिटर, उनके लिए स्टॉप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है दोस्तों। तो आप आएंगे परेशान होंगे, और पूरे सेंट्रल दिल्ली में बहुत सारे जगह रिस्ट्रिक्टेड हैं, वहाँ पर नहीं आ सकते हैं, कोई नहीं घूम सकता है। इवन उस दिन गाड़ियाँ भी नहीं चलेगी आसपास सेंट्रल दिल्ली में। तो अगर आप दिल्ली से बाहर आ रहे हैं, दिल्ली से बाहर से हैं, और अगर आप दिल्ली आना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ 7, 8, 9, 10 आप 15 तारीख के बाद ही आइएगा दिल्ली, तभी आपके लिए सही होगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। तो दोस्तों कुछ भी बोलो, थोड़ा सा तो सुकून है यहाँ पे। शाम का, रात का टाइम जो है मिडनाइट, वो थोड़ा सा सुकून है। और ये देखिए पानी वानी, देखिए कितनी अच्छी लाइटिंग यहाँ पे, बहुत प्यारा लगता है। जो रात को जो लाइटिंग है ना, ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है दोस्तों। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए लाइटिंग, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये इंडिया गेट का लाइटिंग है। एक बार मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ, तो दोस्तों मेरा चेहरा आपको दिख रहा है। तो मैं आपको ले आया हूँ आज इंडिया गेट, और ये देखिए कितना खूबसूरत, अच्छा लग रहा है। मुझे सिर्फ डर लग रहा है कि भाई अपनी स्कूटी ना उठा के ले जाए, टो करने वाले घूम रहे हैं, पता लगे ले गए तो हमें पता भी नहीं कि रात को कौन से थाने में ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से हटवा रहे हैं। ओ भाई गजब का, दोस्तों ये देखिए व्यू देख रहे हैं, कितना खतरनाक व्यू आ रहा है। भाई गजब, एक फोटो खींच दे ऐसे करना वाला। तो यार खाने पीने को तो कुछ मिला नहीं, रात को 1-1.5 बजे कहाँ मिलेगा भाई खाने पीने को। तो भाई भूख अभी लग नहीं रही है। अरे कहना क्या चाहते हो? कहाँ दिख रही है? अबे स्कूटी ले गया क्या कोई? ओ भाई स्कूटी ले गया कोई? भाई स्कूटी ले गया, भाग के चल, भाग के चल, स्कूटी ले गया भाई। ओबे तेरी दोस्तों, तो ऐसी है, हम हाथ पर जोड़ के ले आएंगे अपनी स्कूटी। और स्कूटी गई नहीं है भाई, भाई की स्कूटी है, ऐसे कैसे चली जाएगी मेरे भाई? समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? कहाँ चला जाए भाई? पहले राष्ट्रपति घूमते थे वहाँ पर। राष्ट्रपति को तू ऐसा कह रहा है, तेरा चाचा है राष्ट्रपति, कह रहा है पहले राष्ट्रपति, कह रहा है पहले राष्ट्रपति चलते हैं, ऐसे कि इसका चाचा है राष्ट्रपति कि उसके घर में जाके भैया अंकल थोड़ा दाल चाचा दाल चावल खाना, भूख लगे सिस्टम में अपना सिस्टम में। तो दोस्तों देखो, अभी तो हमारे सिस्टम नहीं है, 600 सब्सक्राइबर में क्या ही सिस्टम होता है। तो अगर आप लोगों का साथ रहा, दुआ रहा, तो एक भी सिस्टम ज़रूर होगा मेरे भाई। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, कहाँ चलते हैं कुछ नहीं पता भाई, राही है रात का, बस चलते हैं, बस यही हो रहा है, चलते हैं चलते हैं चलते हैं। बट सही बताऊँ आपको, यहाँ से जाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। पर आप भाई देख रहे हैं रात को दो बजे ये देखिए ये सीन है भाई इंडिया गेट का। क्या सीन है? अब हम यहाँ से जा रहे हैं कन्नाट प्लेस की तरफ। कन्नाट प्लेस चले ना भाई? हाँ कन्नाट प्लेस। कन्नाट प्लेस में आपका ज़ोरदार लाइटिंग इतना प्यारा होता है ना, और देखते हैं कन्नाट प्लेस में क्या है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है G20 की वजह से, तो कन्नाट प्लेस है ना।
तो दोस्तों ये देखिए 2 बज रहे हैं, रात के 2:12 हो रहे हैं और रात को मैं सीपी में हूँ। और ये देखिए सीपी का जो सीन है, ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं सीपी का जो सीन है, ये मैं हूँ और ये मेरा भांजा है जो पार्किंग में, अभी पार्किंग में नहीं ऐसे गाड़ी लगा रखा है, और मैं हूँ अभी सीपी में। और सीपी में ये है रात को 2:30 का समय है। एक भाई कह रहे हैं यूट्यूब का वीडियो बना रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, और भाई सब्सक्राइब कर देना, 1 सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। ये देखिए ये हमारे सीपी का जगह है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये रात को 2:30 रहे हैं, देख रहे हैं ये पुलिस की गाड़ी है, ये रात को ये देखिए भाइयों यहाँ कुछ छपरी लोग भी हैं, तो इन लोगों से तो मुझे बहुत डर लगता है, तो कुछ बोला नहीं मैंने। तो दोस्तों ये देखिए, तो दोस्तों ये गाइस देखिए, ये सारे इनको सबको पता है, इन सबको पता है दोस्तों कि ना मेरा एक यूट्यूब चैनल है, और ये लोग इसी वजह से यो कर रहे थे दोस्तों। तो यहाँ पे 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी आ जाइए, एक इंडिया गेट और एक कन्नाट प्लेस, कन्नाट प्लेस में हमेशा कोई ना कोई रहेगा ही रहेगा, ये भरा रहता है पूरा, इसीलिए ये दिल्ली दिलवालों का कहा जाता है दोस्तों। तो अभी आप देख रहे हैं, आपको सोच भी नहीं सकते हैं कि रात को 2:30 बजे का टाइम है। तय चलें, चलो निकालो फिर, हाँ भाई चलें, कल मिलते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग चल दिए हैं बंगला साहब के लिए, ये देखिए आपका बीकाने बिरयानी वाले हैं, सॉरी फ्री में एडवर्टाइज नहीं करते हम, इसके लिए भी पैसे लेते हैं। तो दोस्तों समझ रहे हो दोस्तों, सीपी का हनुमान मंदिर है, आप भी एक बार हाथ जोड़ लीजिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो दोस्तों मेरी बैटरी रह गई है 4%, तो अब मैं मुझे लग रहा है कि जितना होगा होगा, उसके बाद में मैं घर पे जाके सब्सक्राइबर है भाई साले का खोपड़ी तोड़ साले का। तो नेक्स्ट सिस्टम अपनाओ ना भाई, मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट सिस्टम, आप लोग जो सोचते हो ना कोई काम नहीं देते हो, मैं सिखाऊंगा, एक हैंग हो जाएगा एक दिन, ये वादा है और आप सबका प्यार है। ये देखिए हमारे भाई भी थोड़ा स्लो कर, चलो ये देखो दोस्तों, ये सारे देख रहे हैं, ये सब ऐसे देख रहे हैं कि भाई हम बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, हर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, तो भाई छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, ब्लॉग बना लेता हूँ। तो ये देखो भाई तू आ गया बंगला साहब, तो दोस्तों हम आ गए बंगला साहब रात को मिडनाइट में, थोड़ा सा हम देखते हैं बंगला साहब, चलो चलते हैं। तो दोस्तों हम रात को 2:30 बजे बंगला साहब आए हैं, ठीक है रात को 2:30 बजे हम बंगला साहब, ये देखिए भीड़ देख रहे हैं आप, ट्रैफिक देखिए ऑन है, चल 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 मैं ले लूँगा, चलो चलो। तो अंकल ने मुझे टिकट दे दिया है, तो अब हम चलते हैं बंगला साहब पार्किंग की तरफ दोस्तों। कहाँ मिलेगा? तो दोस्तों देखिए रात को 2:30 बजे बंगला साहब, वो कहाँ मिलेगा सर पर ढकने के लिए? वो मिलेगा, ये मिलता तो है यहीं पे। ये देखिए दोस्तों 2:30 बजे का टाइम है ये, और ये मैं भी ले लेता हूँ, एक मेरे लिए भी ले लेना है। तो दोस्तों हम लोग अब आ चुके हैं ऊपर, हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं घर, थक
मैं व्लॉग को एंड करता हूँ यहीं पे। बाय बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में।